Hello students, we have recently done the

प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी होती है जो लाइन स्ट्रेट जाती है बिल्कुल सेंटर से जाती है किसी भी लेंस के लेंस हमारे पास कौन सा है कॉन्वेक्स लेंस सो ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है इसके सेंटर से जो लाइन पास करेगी विदाउट एनी डेविएशन उसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सेस और फोकल लेंथ कितनी है हमारे पास टेन सेंटीमीटर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंस से कितना है 15 सेंटीमीटर हमें फाइंड करना है नेचर पोजीशन साइज ऑफ द इमेज तो हम पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है टॉल टॉल मींस हाइट ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट की हाइट ये एच ओ है ठीक है नेक्स्ट हमारे पास ये 10 सेंटीमीटर क्या है फोकल लेंथ ये एफ़ की वैल्यू है नेक्स्ट 15 सेंटीमीटर क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये यू है तो हमें क्या फ़ाइंड करना होगा हमें फाइंड करना होगा वी नाउ वी विल टेक अ लुक एट द सोल्यूशन अब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इतना है हमारे पास टू सेंटीमीटर अब देखिए हम बात करेंगे ये प्लस कहाँ से आ गया देखो ये कॉन्वेक्स लेंस था ये प्रिंसिपल एक्सिस है और हम इसको मैथ्स में जैसे ग्राफ करते हैं वैसे करते हैं ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस आता है यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव एक्स एक्सेज आता है यहाँ पे पॉजिटिव वाइय आता है और यहाँ पे नेगेटिव वाई आता है अब आपने ऑब्जेक्ट रखना है तो आप ऑब्जेक्ट को इस तरफ रखोगे ठीक है अब उसकी हाइट को मैयर करना है सपोज़ करो यहाँ मैंने एरो बना दिया एक हाइट को मैयर करना है तो आप ऊपर की तरफ उसको मैयर करेंगे ना स्केल की रीडिंग रख के जैसे ये मेरे पास कोई स्केल होगा और आप इससे मयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऊपर की तरफ देखेंगे ना तो ये पॉजिटिव आएगा ठीक है इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन आया है नेक्स्ट फोकल लेंथ अब फोकल लेंथ क्या होती है फोकल लेंथ होती है जब ऑब्जेक्ट uh, से इंसिडेंट रेज को स्ट्राइक किया जाता है देन रिफ्रैक्शन होगा देन ये पास कर जाएंगे ठीक है और एक लाइन को स्ट्रेट हम ऑप्टिकल सेंटर से जो है वो पास करवाएंगे तो देखिए कुछ जो इमेज बनेगी वो राइट हैंड साइड पे बनने वाली है ठीक है लेफ्ट हैंड साइड ये साइड होगा तो राइट हैंड साइड पे मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सेस आ गया ठीक है फोकल लेंथ क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर के ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का डिस्टेंस तो इमेज कहीं भी यहाँ पे बनेगी इस साइड ही बनेगी ना तो इस साइड तो राइट हैंड साइड हो गया ये राइट हैंड साइड में क्या आता है पॉजिटिव तो इसीलिए टेन सेंटीमीटर के साथ ही आ गया पॉजिटिव साइन आ गया नेक्स्ट ऑब्जेक्ट माइनस फिफ्टीन अब हमें फिफ्टीन दिया हुआ था हम प्लस और माइनस का साइन कैसे देख रहे हैं हम प्लस और माइनस का साइन इस तरह से जो रूल्स थे साइन कॉन्वेंशन थी उनको हम दिमाग में रखते हुए कर रहे हैं ये साइन कन्वेंशन पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन वॉच दैट वीडियो अब देखिए ऑब्जेक्ट को तो आप लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे ना ठीक है तो अगर आप यहाँ से मैयर करेंगे ऑब्जेक्ट को इस तरह से ज़ीरो रख के ठीक है तो आपको इस तरफ जाना पड़ेगा और इस तरफ क्या है माइनस तो इस तरफ यहाँ पे फिर माइनस का साइन आ जाएगा अब देखिए वी जो है वी हमें नहीं पता लेकिन फिर भी अगर आपने आइडिया लगाना हो कि जो आपके पास वी सॉल्व होकर आएगा वो पॉजिटिव का आएगा कि नेगेटिव का आएगा अभी हम यहाँ से देख लेते हैं कुछ इस तरफ उसकी इमेज बनेगी ठीक है तो जो आपके पास V आएगा वो राइट हैंड साइड बन रहा है तो यस उसके लास्ट में देखना पॉजिटिव का साइन आएगा ठीक है नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं मिरर फॉर्म लेंस फॉर्मूला लगाएंगे वन ओवर वी माइनस वन ओवर यू इक्वल्स टू वन ओवर F तो देखिए V सॉल्व करना वी को एक तरफ रख लेंगे नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास U की वैल्यू डाली है, हमने माइनस फिफ्टीन फिर प्लस का साइन आ गया देन हमने एफ डालना फोकल लेंथ की वैल्यू डाली अब हमने क्या करना है एलसीएम लेना है एलसीएम मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ दोनों फाइव के टेबल पे चले जाते हैं तो ये हमारे पास आ गया एलसीएम फाइव थ्री सा फिफ्टीन फिफ्टीन टू सा थर्टी अब ये देखो ये थर्टी यहाँ से आ गया अब देखेंगे ये माइनस टू और थ्री कहाँ से आया अब आप ये नंबर पिक कर लीजिए वन ओवर फिफ्टीन मल्टीप्लाई बाय एल सी एम फिफ्टीन टू सा थर्टी अब यहाँ पे माइनस का साइन था तो यहाँ माइनस टू आ गया प्लस का साइन यहाँ पे था यहाँ पे एस एच लगा के अब ये नंबर लीजिए वन ओवर टेन मल्टीप्लाई बाय थर्टी तो ये थ्री आ गया देखिए आ गया ना अब हमने क्या किया हमारे हमने प्लस माइनस माइनस होगा लेकिन साइन प्लस का आएगा क्योंकि थ्री के साथ क्या है पॉजिटिव नंबर तो ये आ गया हमारे पास वन ओवर थर्टी लेकिन वैल्यू तो इस तरह से आ रही है ना हमें इस तरह से थोड़ा चाहिए हमें तो सिंपल वी की वैल्यू चाहिए तो हम इसको इन्वर्स कर देंगे ठीक है अब ये पॉजिटिव साइन आ गया ना मैम पहले भी आपको बताया था कि पॉजिटिव साइन ही आएगा अब पॉजिटिव साइन आ गया तो इसका मतलब जो हमारी इमेज फॉर्म हुई है वो उस तरफ हुई है और आपको पता है राइट हैंड साइड पर जितनी भी इमेज फॉर्म होती हैं वो क्या होती हैं रियल एंड इन्वर्टेड और अगर लेफ्ट हैंड साइड पे होती हैं तो वो होती हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट अब देखिए हमें ना हाइट भी दिया हुआ था अब मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है एच डैश अपॉन एच एच डैश होता है इमेज एच होता है ऑब्जेक्ट अगर इसको हमने रिलेट करना हो वी से और यू से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से और इमेज डिस्टेंस से तो फिर हमारे पास फॉर्मूला ये बन जाता है अब हम क्या करते हैं हमारे पास ये जो डिस्टेंस हाइट थी किसकी थी ऑब्जेक्ट की थी, थी ना तो हमने क्या कर लिया एच डैश की जगह एच डैश लिख लिया यहाँ पे टू लिख देंगे वी की वैल्यू थर्टी आ गई है यू की वैल्यू हमारे पास माइनस फिफ्टीन थी अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एच डैश एक तरफ ले जाएंगे ये टू ऊपर थर्टी के पास चला जाएगा फिफ्टीन आ गया ऊपर ऐसे ठीक है अब हम क्या करेंगे अब हम इसको सॉल्व करेंगे देखिए ये फिफ्टीन के टेबल पे चला जाता है फिफ्टीन वन जो फिफ्टीन फिफ्टीन टू जै थर्टी टू टू ज़ा फोर और साइन आ जाएगा माइनस का ठीक है अब सेंटीमीटर चल रहे हैं तो हम सेंटीमीटर्स से लगा देंगे साथ में यहाँ पे आपको क्लियर हो गया ना तो ये एच इमेज कितना आ गया इमेज डिस्टेंस कितना आ गया इमेज का हाइट कितना आ गया फोर सेंटीमीटर तो ऑब्जेक्ट का हाइट कितना था टू तो मैग्नीफिकेशन कैसे आ जाएगी माइनस फोर अपॉन ये वाला हाइट आ जाएगा टू और ये हमारे पास देन की मैग्निफिकेशन आ गई माइनस टू सेंटीमीटर अब ये जो माइनस का साइन होता है ये हमें ये बताता है मैग्निफिकेशन अगर माइनस में आ जाए तो हमें ये बताता है कि जो इमेज है वो इन्वर्टेड एंड रियल है ठीक है दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व योर नोमेरिकल एंड इसके बाद हम बैक बा एक्सरसाइज का कोई अनसोल्व नोमेरिकल सॉल्व करेंगे सेम बेसिस पे थैंक यू